दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश में दिव्यांग नेशनल चैंपियन आइसक्रीम बेचने को मजबूर है। चार साल की कठिन मेहनत के बाद उसने ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में एथलेटिक्स की 20वीं नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दिव्यांग खिलाड़ी सचिन साहू रीवा के रहने वाले हैं। उन्होंने 400 मीटर की रेस 1.17 सेकेंड में पूरी की। ये प्रतियोगिता 28 मार्च से 31 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। उनकी सफलता की राह यूं ही आसान नहीं थी। उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए जूते नहीं थे। नंगे पैर कंकड़ पत्थर भरे मैदान में उसने दौड़ की प्रैक्टिस की। उन्होंने बताया कि 2021 में हुई स्पर्धा में चौथी रैंक आने के बाद मैं हताश तो हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। रीवा आकर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक रेलवे स्टेशन के समीप ग्राउंड में रेस शुरू की। कुछ दिन बाद रेलवे ने ग्राउंड में मिट्टी का ढेर रख दिया था। इसके बाद भी कंकड़ पत्थर भरे मैदान में गिरता रहा, लेकिन प्रैक्टिस बंद नहीं की। हम मूलतः उमरिया जिले के आसोड़ के समीप पटना गाँव में रहते हैं। परिवार के माता पिता के साथ ही 4 बहनें और 2 भाई हैं। 2 बहनों और बड़े भाई की शादी हो चुकी है। परिवार की माली हालत देखकर रिश्तेदार राजू साहू ने अपना मकान दिया। नहीं, मेरे पास स्पाइक शूज है, ना ही स्पाइक शूज की तो छोड़िए, मेरे पास नॉर्मल शूज नहीं है जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं, और ना एकेडमी है ना ग्राउंड है यहाँ।